इस दुनिया में रहता कोई भी इंसान क्यों ना हो, वो लाइफ के इन तीन में से ही किसी एक स्टेज पर होगा, जो है एस्पायर, सक्सेस या फेलियर स्टेज। और ये तीनों स्टेज हमारी लाइफ में रिपीट होते ही रहेंगे। एस्पायर स्टेज वो है जब हम कुछ अचीव करने के रास्ते पर हो। सक्सेस स्टेज मतलब हमने जो चाहा था वो अचीव कर लिया हो। और फेलियर स्टेज मतलब हम एस्पायर से सक्सेस तक पहुंचने में फेल हो जाए। इन तीनों स्टेज पर एक चीज जो हर वक्त हमारे साथ मौजूद होती है वो है हमारा ईगो। और यही ईगो ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जैसे गुस्सा और हंसी इंसान के चेहरे पर दिखता है, उसी तरह ईगो भी इंसान के बिहेवियर में दिख जाता है। आज तक जितने भी लोग जेन्युइनली अपने काम के दम पर वर्ल्ड फेमस हुए हैं, उनको आप देख लो, वो कॉन्फिडेंट जरूर होंगे, लेकिन ईगोइस्टिक कभी नहीं होंगे। कॉन्फिडेंस और ईगो में बहुत बड़ा अंतर है, जो मैंने शिव खेरा से सुना था कि कॉन्फिडेंस विदाउट ह्यूमिलिटी इज एरोगेंस, यानी कि विनम्रता के बिना आत्मविश्वास घमंड है, ईगो है। पर अच्छी बात तो ये है कि हम इस ईगो को कुछ टेक्निक्स के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो हमारे रास्ते में ना आए और हम जो चाहे वो अचीव कर पाए। स्टेज नंबर वन इज एस्पायर। ये वो स्टेज है जब हम कुछ बड़े और बेटर गोल्स अचीव करना चाहते हो। जैसे कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो कोई अपने ऑडिशन के लिए क्लिप्स बना रहा होता है, या कोई जो अपना बिजनेस प्लान तैयार कर रहा होता है। ये शुरुआती दौर ही सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि कोई भी काम की शुरुआत में हम एक्साइटेड भी होते हैं और थोड़ा बहुत नर्वस भी। पर हम अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए जो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, वो ही हमारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत ही आसान है, क्योंकि एक्चुअल वर्क की बजाय सिर्फ बातें करके हम बहुत ही कम एफर्ट से ही लोगों का अटेंशन और एप्रिसिएशन पा सकते हैं। पर रियल वर्क किए बिना सिर्फ बातें करके लोगों से तालियां और तारीफ सुनने की हमारी भूख ही एक्चुअल में हमारा ईगो है। बातें तो सब कर सकते हैं, इवन एक पागल भी किसी भी टॉपिक पर कई घंटों तक बातें कर सकता है। पर आज की दुनिया में जो रेयर है वो है साइलेंस। ज्यादा बोलने से और ज्यादा सोचने से आपकी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है, और स्टार्टिंग में ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाने से आप वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते। और वैसे भी ज्यादा सोचने से आपका ईगो एक इमेजिनरी ऑडियंस तैयार करता है, जिससे आपको लगता है कि दूसरे लोग आपको ही देखते हैं और आपके बारे में ही सोचते हैं। पर हकीकत में ऐसा नहीं होता। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है कि एक टीनेजर ने एक वीक के लिए अपनी क्लास मिस की, क्योंकि कुछ दिनों पहले स्कूल के कैंटीन में उनके पेंट पर जूस गिर गया था, जिससे वो शर्म के मारे स्कूल नहीं गया, क्योंकि उसके ईगो ने एक इमेजिनरी ऑडियंस बना ली कि स्कूल में सब उनके बारे में ही सोचते होंगे और उनकी ही बातें करते होंगे। लेकिन हकीकत तो ये थी कि स्कूल में दूसरे दिन किसी को वो इंसिडेंट याद भी नहीं था। इसलिए याद रखिए कि आपको जितना लगता है उतना लोग आपके बारे में नहीं सोचते। स्टोइसिज्म में एक वर्ड है यूथिमिया, यानी कि एक्सटर्नल चीजों से डिस्ट्रेक्टेड हुए बिना अपने पाथ पर आगे बढ़ना। आज सोशल मीडिया एप्स और ब्रेकिंग न्यूज ने लोगों के अटेंशन स्पान और काम पर फोकस करने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। फोर्ड कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने कहा था कि आपकी रेप्यूटेशन आपने जो किया है उसके आधार पर बिल्ड होती है, ना कि आप जो करने वाले हो। और वैसे भी टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आपने खुद देखा होगा कि कई लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी वो उस टैलेंट में से ज्यादा कुछ बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ईगो उन्हें किसी ना किसी तरह डरा के रोकने की कोशिश करता है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि जब तक आप लोगों को दिखाओगे नहीं, तब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उनको क्या चाहिए। आपका टैलेंट भी एक प्रोडक्ट की तरह है। जब तक आप उसे रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि उनको ऐसा भी कुछ चाहिए। अभी हम में से ज्यादातर लोग एस्पायर स्टेज पर ही होंगे, तब हमारे ईगो को कंट्रोल में रखने के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारे काम पर ध्यान देना और अपने वर्क को इम्प्रूव करना। बास्केटबॉल प्लेयर बिल ब्रैडली हर वक्त याद रखते थे कि जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर प्रैक्टिस कर रहा होगा, और जब आप उनसे मिलोगे तो वो जीत जाएगा। इसीलिए नो मैटर आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो एस्पायर स्टेज पर ही अपने ईगो को इस दो तरीकों से कंट्रोल करना सीख लो। नंबर वन, हमेशा स्टूडेंट बन के सीखते रहो। और नंबर टू, कम सोच के और एक्शन ज्यादा लेके अपने क्राफ्ट को कंटिन्यूस प्रैक्टिस के जरिए इम्प्रूव करते रहे। सेकेंड है सक्सेस स्टेज। जब एस्पायर स्टेज पर हम अपने ईगो को कंट्रोल कर ले और अपने वर्क पे ध्यान दे, तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिलेगा। जैसे सक्सेस मिलने से हमारी ताकत बढ़ती है, उसी तरह हमारे ईगो की भी ताकत बड़ी होती है, इसलिए वो हमें दूसरे तरीकों से पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। सक्सेस मिलने पर डिस्ट्रेक्शन बहुत आएंगे। इंटरव्यूज, अवार्ड फंक्शंस, रिपोर्टर्स, पार्टीज, ये सब डिस्ट्रेक्शन आपको आपके एक्चुअल वर्क से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे, जो आपके ईगो को बहुत पसंद है, क्योंकि पब्लिक एप्रिसिएशन जो मिलेगा। पर वो काम को हर हमेशा याद रखिए जिसके कारण आज आप ये सब कुछ देख पा रहे हो, क्योंकि वो ही आपकी एक्चुअल वैल्यूज है। अपनी कोर वैल्यूज और वर्क से दूर होके सिर्फ मौज शौक करने का क्या रिजल्ट आ सकता है, वो आप विजय माल्या से खुद ही सीख सकते हो।
वर्ल्ड फेमस वॉरियर एंड मंगोल एम्पायर चंगेज खान अपने बेटों से कहते थे कि अगर तुम अपने ईगो को निगल नहीं सकोगे तो तुम लीड नहीं कर पाओगे। वो कहते थे कि दुनिया का कितना भी ऊंचे से ऊंचा पहाड़ क्यों ना हो, उस पर रहने वाला जानवर जब उस पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाए तब वो जानवर उस पहाड़ से तो ऊंचा ही होता है। जैसे सक्सेस पाना मुश्किल है, उसी तरह वहां पर टिक पाना भी उतना ही मुश्किल है। इसीलिए हमें हमेशा अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रखनी चाहिए और स्टूडेंट बनके सीखते और इम्प्रूव करते रहना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि जब भी कोई कंपनीज या एंटरप्रेन्योर से पूछा जाता है कि आप क्या करने वाले हो, तो वो कहते हैं कि वो दुनिया को बदलने वाले हैं, जो कि सही भी है। पर एक्चुअल में जो कंपनीज ने अभी दुनिया को बदल दी है, वो कंपनीज अपनी कोर वैल्यूज और कस्टमर सेंट्रिक एग्जीक्यूशन से स्टार्ट हुई थी। जैसे यूट्यूब टीवी रिप्लेस करने के लिए नहीं, पर सिर्फ फनी क्लिप शेयर करने के लिए बनाया गया था। पर आज जो इसका ग्रोथ है, वो सिर्फ उनके विजन की वजह से नहीं, पर अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रख के और स्मॉल डिटेल इंप्रूवमेंट ने ही उन्हें आज नंबर वन वीडियो शेयरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड बना दी है। नो डाउट आप बड़ा सोचे, पर उसे पाने के लिए इतने स्मॉल और डिटेल स्टेप्स लेके एग्जीक्यूट करें कि वो आपका ड्रीम सिर्फ ड्रीम ना रहे और रियलिटी में कन्वर्ट हो जाए। अपनी आइडेंटिटी स्मॉल रखने का मतलब है अपने आप को बड़ा चढ़ा के रिप्रेजेंट ना करना। अगर आप कोई कंपनी में रिसेप्शनिस्ट हो तो कोई पूछे तो आप कोई कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिंग ऑफिसर हो, ऐसा कहने की बजाय सिर्फ रिसेप्शनिस्ट हो ऐसा कहो, जिससे आप ग्राउंडेड और पोलाइट रह के दूसरों से सीख पाओगे और अपने वर्क को और इम्प्रूव कर पाओगे। जेन फिलोसोफर ज़ुगान अपने आप से कहते थे कि मास्टर तुम सोबर बने रहो और अपनी पॉपुलैरिटी और अपने पास पड़े धन से कभी भी धोखा मत खाओ, बस जिस चीज के लिए तुम जाने गए हो वो चीज करते ही जाओ। रायन हॉलीडे कहते हैं कि जो रियल में सक्सेसफुल लोग हैं वो मॉडेस्ट लाइफ जीते हैं, नॉर्मल घरों में रहते हैं और सिंपल कपड़े पहनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको लग्जरियस लाइफ जीना नहीं आता, पर वो सिंपलिसिटी के जरिए अपनी कोर वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मोहम्मद अली कहते थे कि जब आप मेरे जितने ग्रेट होगे तब हम्बल बने रहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो मानते थे कि आज की दुनिया में कॉन्फिडेंस, स्किल और टैलेंट से भी ज्यादा जो चीज रेयर है वो है सेल्फ अवेयरनेस एंड ह्यूमिलिटी। इसलिए जब भी आपको सक्सेस मिले तो उसे बरकरार रखने के लिए हम्बल बने रहो और ख्वाबों की दुनिया में खुद की स्टोरीज गुनगुनाने की बजाय बस अपना मेन काम करते रहे, क्योंकि सक्सेस मिलने पर इवेंट्स, कैमरास और स्पॉटलाइट लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है और अपने कोर वर्क से दूर ले जाती है। इस बुक का लास्ट पार्ट है फेलियर। कोई भी काम में फेल होना आम बात है। अपने ईगो को कंट्रोल में रखने के बावजूद भी हम फेल हो सकते हैं, पर वो फेलियर टाइम में हम क्या करते हैं वो ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डेट्रॉइट रेड नाम के लड़के को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, क्योंकि उनके ऊपर चोरी, स्मगलिंग, ड्रग्स, हथियारों की हेरा फेरी और खून के आरोप थे। वो ना तो किसी को मारने से डरता था, ना तो खुद मरने से, और उनके पास उनकी खुद की गैंग भी थी जो ये सब काम करती थी। जब उसे जेल में डाल दिया गया तो उसने आम कैदियों की तरह बैठे रहने की बजाय जेल में ही सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले वो वहां से निकल पाने वाला नहीं था। इसीलिए उसने समझदारी से जो कर सकता था वो किया। जेल की लाइब्रेरी में ही उसने रिलीजन, हिस्ट्री और फिलोसॉफी के ऊपर कई सारी बुक्स पढ़ी। उसने तो डिक्शनरी भी अपने हाथों से कवर टू कवर लिखना स्टार्ट किया, जिससे उसने कई सारे नए वर्ड सीखे। और जब तक वो जेल में रहा तब तक उसने अपने फ्री टाइम में हमेशा रीडिंग के जरिए कुछ ना कुछ नया सीखा। इस टाइम को इफेक्टिवली यूज करने के कारण ही वो लड़का आगे जाके अमेरिकन मिनिस्टर और सोशल एक्टिविस्ट बना, जिन्हें लोग बाद में मालकम एक्स के नाम से जानने लगे, जो अमेरिका में कई सारे ह्यूमन राइट्स के लिए लड़े थे। दी 48 लॉज ऑफ पावर के ऑथर रॉबर्ट ग्रीनी इस घटना को अलाइव टाइम डेड टाइम कहते हैं, कि हमारे जीवन में दो ही तरीके का टाइम होता है, अलाइव टाइम या डेड टाइम। अलाइव टाइम मतलब जब आप सीखते हो या अपनी हर एक सेकेंड को अच्छे कामों में यूटिलाइज करते हो, और डेड टाइम वो है जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो और कुछ किए बिना ही लक के भरोसे बैठे रहते हो। मालकम एक्स ने जेल में बिताई हर एक सेकेंड को बुक्स रीड करके अलाइव टाइम बना दी। जब रिपोर्टर्स उनकी कॉलेज के बारे में पूछते थे तो वो जेल को ही अपनी कॉलेज बताते थे, क्योंकि वहीं से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। इस तरह हमारे पास भी हर वक्त दो चॉइसेस होती है कि हम कौन सा टाइम पसंद करना चाहते हैं, अलाइव टाइम या डेड टाइम। वेटिंग लाइन में सिर्फ खड़े रहना डेड टाइम है, पर ऑडियो बुक सुनना या कुछ कॉल्स कर लेना या नोट्स लिख लेना अलाइव टाइम है। जब आप बार बार फेल हो रहे हो तो अपने टाइम को अलाइव टाइम बनाओ और मेहनत करते ही रहो, आप जरूर सफल होगे। क्योंकि रायन हॉलीडे का मानना है कि कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं जो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद भी लोगों की तालियां सुनने नहीं रुकते, क्योंकि वो जानते हैं कि ये तालियां स्टेडियम के बीच खेलने से नहीं, पर जब सब मजे कर रहे थे तब लोगों के एप्रिसिएशन की परवाह किए बिना ही अकेले की हुई प्रैक्टिस से आई है। रायन हॉलीडे ट्रेनिंग को स्वीपिंग से रिलेट करते हैं।
कि सिर्फ एक बार ही फ्लोर स्वीप करने से फ्लोर हमेशा के लिए क्लीन नहीं रहता, उस पर हर रोज डर्ट आएंगी ही, इसीलिए हमें उसे क्लीन रखने के लिए हर रोज सफाई करनी पड़ेगी। और वही चीज आपके टैलेंट के साथ भी है कि सिर्फ एक बार प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होने वाला, उस टैलेंट को चमकाने के लिए आपको हर रोज उस पर एक स्वीपर की तरह सफाई करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के जरिए अपने टैलेंट को चमकाना पड़ेगा, नहीं तो उस पर जंग लग जाएगा। ईगो इज दी एनिमी काफी अच्छी बुक है, जो एक लीडर, एथलीट, एंटरप्रेन्योर, डिजाइनर और हर वो एक क्रिएटिव पर्सन को रीड करनी चाहिए जो इस 21st सेंचुरी में दूसरों से अलग बनके आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ से आप इस बुक को खरीद के रीड कर सकते हो। धन्यवाद।